एक मॉडल और एक राजनेता, एक के पास खूबसूरती की दौलत, दूसरे के पास सत्ता की ताकत। एक एलीट बंगला सोसाइटी में उठने बैठने वाली, यानी एक सोशलाइट। दूसरा राजनीति के रिंग का मास्टर। अद्भुत थी पार चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जोड़ी, बिल्कुल एक और एक 11 की तरह। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल था, गजब की समझदारी थी, और इसी के बूते जनता के पैसे की लूट का कारोबार सालों से चल रहा था। लेकिन एक मोड़ आया, दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर आए। अकूत दौलत का भंडाफोड़ हुआ, घोटालेबाज घेरे में आ गए और अर्पिता मुखर्जी को फूट फूट कर रोना पड़ गया। पुरानी कहावत है, सब दिन होते ना एक समान, यानी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। घोटालेबाजों की इस गैंग के भी बुरे दिन आए। जब तक तकदीर साथ दे रही थी, ये लुटेरी जोड़ी दोनों हाथों से लूट रहे थे, तिजोरियां भर रहे थे। अब जब वक्त ने करवट ली तो इन्हें भी वक्त की सुद आई है। पांच चटर्जी को ही देख लीजिए, कैसे समय चक्र के चक्कर में फंसकर छटपटा रहे हैं, समय का रोना रो रहे हैं। वक्त तो बोलेगा ही, वक्त ही सबका हिसाब ही करेगा, आपका भी और आपकी लूट मंडली में शामिल हर मेंबर का। घबराइए नहीं, धैर्य धरिए, अभी तो शिक्षा विभाग में घोटाले की फाइल के पन्ने एक एक कर खुलना शुरू हुए हैं। अभी तो चंद पन्ने ही खुले हैं और बहुत कुछ हाथ लग गया है। 23 जुलाई को पहला पन्ना खुला तो अर्पिता के फ्लैट से 21,90,00,000 कैश मिला, 70,00,000 रुपए का सोना मिला। 28 जुलाई को दूसरा पन्ना खुला तो अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 27,90,00,000 कैश मिला, 4,31,00,000 रुपए का सोना मिला। तीसरा पन्ना खुला तो अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट का खुलासा हो गया, और चौथा पन्ना खुला तो अर्पिता मुखर्जी की 3 कंपनियों का भंडाफोड़ हो गया। मिस्टर चटर्जी और मिसेज मुखर्जी की अपराध कथा के जितने अध्याय खुल रहे हैं, जितने पन्ने पलटे जा रहे हैं, आईने की तरह साफ हो रहा है कि भ्रष्टाचार के पिच पर ये जोड़ी कितनी तेजी से दौड़ लगा रही थी। ईडी अब इस पूरी महिला गैंग का पता लगाने में लग गई है, जो लूट खसोट के इस खेल की परमानेंट खिलाड़ी थे। इस लूट दल का कैप्टन पार चटर्जी था, उप कप्तानी अर्पिता के पास थी ये तो तय है, लेकिन इस टीम की एक और महिला खिलाड़ी मोनालिसा दास बताई जा रही है, जबकि पार चटर्जी की 3 और महिला मित्रों की भी तलाश हो रही है। अर्पिता मुखर्जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, अब जरा मोनालिसा दास का भी परिचय ठीक से जान लीजिए। मोनालिसा दास काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बांग्ला की प्रोफेसर है। वो आसनसोल में SB गोराई रोड पर विवेकानंद पल्ली में किराए के मकान में रहती थी। करीब 5 साल तक वो किराए के मकान में अकेली रही, लेकिन चंद हफ्तों से वो वहां नहीं आई। मोनालिसा की बीरभूमि जिले के शांति निकेतन में कई फ्लैट और जमीन का खुलासा हुआ है। ईडी की नजर मोनालिसा दास की इन्हीं संपत्तियों पर है। ईडी ये जांचने में लगी है कि मोनालिसा की दौलत का कहीं पार चटर्जी से कोई रिश्ता तो नहीं। दरअसल इल्जाम यही है कि पार चटर्जी ने अपने सियासी रसूख के दम पर मोनालिसा को यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाई, और तो और नियमों को ताक पर रखकर मोनालिसा को प्रमोशन देते हुए डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। आरोप तो यहाँ तक है कि पार चटर्जी ने अपनी बेनामी प्रॉपर्टी मोनालिसा के नाम खरीदी है। मोनालिसा एक दो नहीं, करीब 1 दर्जन फ्लैट की मालकिन है। हालांकि अभी तक ईडी ने मोनालिसा को कोई नोटिस नहीं भेजा है। हालांकि पार चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ही वो अंडरग्राउंड है और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। नॉट लॉक की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पार चटर्जी की महिला मित्रों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। ईडी को शक है कि पार चटर्जी ने बड़ी चालाकी से महिला मित्रों को काले धन को छुपाने और काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।